जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा के मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय के समस्त अधिकारी एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के राहत कोष में जमा धनराशि के अतिरिक्त करीब 5 लाख की धनराशि जमा करने की इच्छा जताई और सभी ने मिलकर स्वेच्छा से धन एकत्रित किया। इस प्रकार करीब 5,04,30 रुपए बैंक ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ ने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को मुख्यमंत्री केयर फंड में जमा करने हेतु प्रदान किया, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा पीड़ितों के उपचार में सरकार को मदद मिल सके। गौरतलब है कि देश भर में COVID-19 कोरोना विषाणु से फैली महामारी से उत्पन्न संकट के बचाव के रूप में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को 24 मार्च से लगातार राष्ट्र में लॉकडाउन करना पड़ा, जिससे नागरिकों एवं राष्ट्र को इस राष्ट्रीय आपदा में भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस समय सबसे अधिक संकट की स्थिति में श्रमिक, गरीब एवं किसान वर्ग आया है। इस संकट से उभरने के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड एवं मुख्यमंत्री केयर फंड में नागरिकों तथा व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सहायता हेतु धन जमा करने की अपेक्षा की गई है, जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश ने सराहनीय कार्य करते हुए सरकार को करीब 5 लाख की आर्थिक सहायता की मदद की है। जनपद न्यायाधीश ने यह प्रयास निश्चित ही दूसरों के लिए नजीर साबित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा ने कहा, ठीक है, मेरा मकसद ये है कि ये कोरोना नाम का विषाणु जो विश्व में एक अपना प्रकोप फैला दिया है, जिससे भारतवर्ष भी वंचित नहीं है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तथा समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भारत बंद का एक जो बीड़ा उठाया वो केवल इसलिए कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि अगर ये और ज़्यादा फैल जाए और ये विश्व में महामारी कहीं ऐसा हो कि हमारे भारतवर्ष को पूर्ण रूप से नष्ट कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे मरीज़ हो गए हैं, तो इसको फैलने की वजह से भारत सरकार ने समस्त जो प्रक्रम है, सेक्टर्स हैं, उनका कार्य रोक दिया है। हमारे यहाँ पर जो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के दौरान कोई कर्मचारी अपने ऑफिस में नहीं जा रहा है, हमारा उत्पादन जो आयात निर्यात सब बंद पड़ा है, हम बड़ी विषम परिस्थिति में वाकई गुजर रहे हैं, विषम परिस्थिति से। इसीलिए भारत सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने एक फंड बनाया है, जो प्रधानमंत्री केयर फंड, मुख्यमंत्री केयर फंड, इसके माध्यम से देश के गरीब, श्रमिक, किसान, बेरोजगार तथा ज़रूरतमंदों को धन प्रदान किया जाए। इस समस्त प्रकरण को देखते हुए गरीबों को भोजन प्रदान करने के लिए और कुछ दान देने के लिए हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य लेवल पर हमारे सीनियर जज साहब ने हमको निर्देशित किया है कि लोगों को पर डे अपना आपस में कलेक्शन करके भोजन करा रहे हैं। हमारे अधिकारीगण और कर्मचारी बहुत भारी सहयोग दे रहे हैं। इसी की प्रक्रिया के अनुक्रम में हमने यह उत्तर प्रदेश राज्य को थोड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करने का संकल्प उठाया है, जिसमें हमारे सारे अधिकारियों ने और हमारे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बीड़ा उठाया। उन्होंने स्वेच्छा से धन एकत्रित किया और 5 लाख के करीब हमने धन एकत्रित किया है, जिसका ड्राफ्ट हमारी मुख्य चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने बनवाकर आज प्रदान किया था, जिसको हमने जिलाधिकारी महोदय को प्रदान किया है और वह धनराशि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राजकीय कोष में जमा हो जाएगी, जिससे कि ज़रूरतमंदों को मदद मिल सके और हम देश की और राज्य की सेवा तथा सहयोग कर सकें, जो हमारा परम उद्देश्य है। हमारा ये नैतिक दायित्व भी है और हमारी ड्यूटी का भाग भी है, जो हम इसका परिपालन कर रहे हैं। यही हमारा 50 लाख 5 लाख रुपए
देने का हमारा उद्देश्य था। सर, विधिक सेवा प्राधिकरण है जो लोक अदालत भी करती है, सस्ते में न्याय भी देती है लोगों को, सुलह समझौते के आधार पर, इसके बाद ये जो बीड़ा उठाई है उसके लिए? हम भी राज्य के भाग हैं और इस समय कोर्ट बंद भी चल रहे हैं, लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य बहुत विस्तृत है, जिसके लिए हमारा एक यशस्वी हमारा एक अधिकारी इसमें सचिव के रूप में यह नियुक्त है। हर जिले में एक सचिव नियुक्त है, उनका पूर्णकालिक यही कार्य है, फुल डे वर्क है कि वह विधिक सेवा के बारे में जानकारी दें, विधिक ज्ञान के बारे में जानकारी दें, ज़रूरतमंदों को विधिक सेवा उपलब्ध कराएं, वकील दें, जगह जगह जाकर के जो है लोगों को कानून के बारे में अवगत कराएं, महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, और तमाम जो राज्य की योजना है जो हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम तक आती हैं, निर्देश आते हैं, उनका परिपालन कराते हैं। इसी के अनुक्रम में ये काम भी विधिक सेवा माननीय सीनियर जज विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से हमको ये निर्देशित किया गया है कि हम गरीबों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करें, वो भी कर रहे हैं, और उसी का एक ये भी अंश है कि हम राज्य की भी सेवा करें। राज्य का भी उद्देश्य है कि लोगों से मतलब अधिकारियों से धन एकत्रित करें और हम उसमें जमा करें। हमको कुछ त्याग करना पड़ेगा, हमको कुछ तनख्वाह कम लेनी पड़ेगी, हमको कुछ समय समय पर धन एकत्रित करके जमा करना होगा, क्योंकि राज्य नहीं है तो हम नहीं हैं, हम तभी हैं जब राज्य। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा बड़े गौरव की बात है और ऐसे समय पर इस गौरव को बनाए रखने का, देश की हमारी व्यवस्था को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, और मैं इसके लिए अपने जितने अधिकारी हैं न्यायिक अधिकारी के अलावा हमारे जो कर्मचारी हैं उन सब का तहे दिल से वाकई अभिवादन करता हूं कि उन्होंने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपने मन से सबने मिलकर के ये योजना बनाई थी कि कुछ वित्तीय सहायता राज्य को उसमें दाखिल की जाए। ये बात सही है कि मैं परिवार का मुखिया होने के नाते निश्चित रूप से मार्गदर्शन समय समय पर मैं करता हूं और लोग इसमें मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और इससे ज़्यादा और तो मुझे कुछ कहना नहीं है। थैंक यू।